यशोमती मैया के नंदलाला। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहे हो है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं जो आप सबने करो है। आ गई तुम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी? अकेली कहाँ हो तुम? जिमाला है ना, इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। उर्मिला ठीक है? ये इच्छा करने से पहले चार बार सोच लो उर्मिला, क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी ना किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। तो यही द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। सर में बोल दियो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। आज ही बनायो है क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। स्वप्न में माखन खाने का क्या लाभ? साथ तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तू मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगो तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं, अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो भीतर ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप फ्रेम देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो ही ना, केवल ये माखन मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे ये माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना? और जे बताओ
तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी, वार आपने खुला छोड़ा, और प्रश्न मुझसे कर रही हो? अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर दो है का? अच्छा आप रो मत, अब भैया कहती है भूल करो, उस पे रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दियो। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाई हुआ है तो वैर थोड़ी ही जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तुम्हें पकड़ के रहूंगी। यशोदा जी जी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी, क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जी जी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जी जी? अब चलो भी। सुनो जी, काना भीतर सो रहा है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होनो भी तो चाहिए। भीतर ना है? ना। बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो? अरे काना, यहाँ क्या कर रहे है? नाना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है? जे तो अभी अपने ताऊजी के साथ था, है ना भैया? मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे काना, हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही, क्योंकि जब मैंने काना को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। कान्हा, मैया चोरी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताए उसके यहाँ से कछु खा ले, है ना? पर इनके यहाँ तो द्वार खुला था, मटकी खुली थी और इस फेम भी तो सामने बैठी थी। कान्हा, तूने काकी से अनुमति ली थी? मुझे लगा कि इन्होंने बुलाया है मुझे। उर्मिला, कान्हा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो, इसके अपराध की मैं भरपाई करूंगी। मैं तुम्हें दो गुना माखन दूंगी। ये सत्य है, मैंने स्वयं ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की, पर बात माखन की ना है जीजी। तो फिर क्या बात है? इसने मेरी माला। उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी। इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना,
मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने काना को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया, यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो। मैं दंड के लिए तैयार हूँ मैया। मार दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा। दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए ये? कान्हा, जे कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना, उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जी जी जे, मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो। वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है, इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना, चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी है। कान्हा, अधिक बातें मत बना। आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया, मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुओ अच्छे के लिए हुओ। आज के इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है। ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों। राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा। अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो।
मेरी बात सुनो ना बाबा। तुझे पता है लल्ला तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है, तो तू ही बता जो तुझ पर सारा संसार निछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहे को, तेरी कमियां निकाले को, कुछ भी करे को, कैसा लगे को उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा इसकी सब निंदा करे। पर बाबा मैं तो बात थारे अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगा। परिहास कर रही थी लल्ला, मोती वृक्ष पे ना उगते। क्यों ना उगते मैया, जब छोटी सी गुठली से बड़ा आम का वृक्ष उग सकते है, ये सारे जामुन उग सकते हैं, तो मोती क्यों ना उग सकते? लल्ला बीज से केवल फल और फूल उगते हैं, मोती ना। पर मैया आपने तो कही थी श्री नारायण का नाम देने से सब कुछ संभव हो जाता है, तो फिर ये क्यों ना हुआ? नारायण के नाम में तो बहुत सारी शक्ति है ना? हाँ पर सुधा, जीवन की सीख करने से ही मिलती है, जब करेगो तभी सीखेगो, हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते हैं, है ना? मोतियों का वृक्ष मिलेगा, देखना आप दोनों। चल आ जा। हे नारायण, ये कैसे संभव है? सुनो जी, ये देखो। क्या हुआ सुधा? सुबह सुबह आप चाहती थी ना कि आप सबको मैं कछु ना कछु दूं, देखो कितना विशेष उपहार है मेरे पास। जे तो मोती है, मोतियों का ब्रज। पर
ये तो असंभव है ना। लो आप सभी तो कहती हो मैं बहुत अधिक प्रश्न पूछती हूँ, और अब देखो आते ही सबके सब प्रश्न पे प्रश्न पूछने लगे। हमारी इच्छा पूरी हो गई, कान्हा के हाथ से उपहार मिल गए हमें। प्रभु ये चमत्कार तो सभी के सामने कर दिया आपने, कहीं इससे आपका सत्य मैया को पता तो नहीं चल जाएगा। ये तो सच्ची के मोती है, वैसे ही जैसे स्वर्णाकार के पास होते। वृंदावन में जब से आए हैं कोई ना कोई चमत्कार तो हो ही रहो है। अवश्य ही किसी बहुत बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इस स्थान को। देवी का आशीर्वाद या फिर हमारे कान्हा का? कहीं सच्ची में कान्हा चमत्कारी तो नहीं है? मैंने कहा था ना प्रभु, हंस गए। ये वृक्ष अवश्य ही कान्हा ने बोए होगो, है ना जीजी? आप सब भी ना बिना सत्य जाने ही बोलने लगती हो। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जी क्या कह रहे हैं कान्हा? सत्य ही तो कह रहा हूँ। आप सभी बताओ, जब हम गोकुल से वृंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वृंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख सुविधा मिलेगी? और यहाँ आने के बाद भगवान श्री गणेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? और कल किसने कही थी हमारा काना मोती को बीज की तरह बोएगा, फिर उसमें से बड़ा सा वृक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे? यशोदा ने? आप भी? हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी, अब वृंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। सुन कान्हा, एक कार्य करे। ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध,
क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था वन में किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने? फिर से फंस गो बिच्छों और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर महाराज से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहे है। आपको कैसे बताऊं मैया, वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने, पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे, बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? रूट का उकान्हा। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूट गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तू रही था मैया, कोई खेलना खेलो, मुझे तो बन जानो है। आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी बन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब बन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी, बल्कि मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला, अभी तुम सब बताओ खाने के लिए कुछ लाओ। मुझे तो आज ही जानो है मैया। मीठे बुए। हाँ, मीठे बुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। Thank you.
महाराज आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है, अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ काना, तुम्हें मीठे कुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं काना। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत बुझा काना, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है, इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने, रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो, वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्थ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए।
वंश के राक्षसों के वार से बहुत राज्यों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो, कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए। उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ, बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतना समय हो गया सुबह हुए, बलराम आए हुए ना अभी तक ढूंढने? पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगो। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया वजी? बहुत उदंड होगा वजी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्या को, मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको। कान्हा, इससे बातें कर रहा था तू? कान्हा, वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन सी स्त्री? यहां तो कोई भी ना है, पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ, हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसा रहे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लगतो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया, मुझे ना पतो दाव किस स्त्री की बात कर रहे हैं? मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची, मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वंश चारा काट ले जाएंगे। यही पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स
Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.